और वहीं खबर है कि यूक्रेन युद्ध का अभी तक का सबसे खतरनाक दौर शुरू होने जा रहा है। पुतिन ने जो ऐलान किया है उससे यूक्रेन के साथ साथ पूरा नेटो परेशान है। पांचवी बार रूस का राष्ट्रपति बनने के साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने अपने खतरनाक इरादों का इजहार कर दिया है। रूसी सेना युद्ध भूमि में बफर जोन बनाने जा रही है और सवाल यही है कि आखिर पुतिन की बफर प्लान के पीछे की रणनीति क्या है? क्या इससे एक चाल से यूक्रेन की पराजय निश्चित हो जाएगी? अगर हां तो फिर अब नाटो का अगला कदम क्या होगा? सर्दी खत्म हो चुकी है, गर्मी शुरू हो चुकी है, इसी के साथ युद्ध भूमि में तबाही का बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है। पांचवीं बार रूस का राष्ट्रपति बनने के साथ ही पुतिन अब वो करने जा रहे हैं जिससे यूक्रेन का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। पुतिन के पांचवीं बार राष्ट्रपति बनने के साथ ही रूसी फौज अचानक ही बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई है। अब पुतिन युद्ध भूमि में सुरक्षा का ऐसा चक्र बनाने जा रहे हैं जो यूक्रेन के खात्मे की वजह बन सकता है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन जिस प्लान पर अब काम कर रहे हैं उसे पुतिन का गाजा प्लान कहा जा रहा है। जिस तरह से गाजा में इजराइल ने बफर जोन बनाया है उसी तरह रूस भी यूक्रेन में बफर जोन बनाने जा रहा है। ये वो बफर जोन होगा जो न सिर्फ रूसी शहरों की सुरक्षा करेगा बल्कि यूक्रेनी शहरों में वज्रपात भी करेगा। बफर जोन बनाने का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। Сейчас не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять и когда, но не исключаю, что имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону. रूस ने युद्ध के मैदान में सुरक्षा की अभेद्य और अटूट दीवार बनाने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि यूक्रेनी फोर्स बेलगोरोद, कुर्स्क और वोरोनिश में लगातार भीषण ड्रोन अटैक कर रही है। बेलगोरोद में यूक्रेन के साथ साथ रूस के विद्रोही संगठन भी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इसमें रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के सैन्य और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। यूक्रेन की ड्रोन सेना रूस की ऑयल रिफाइनरी पर लगातार हमले कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने हाल फिलहाल रूसी ऑयल रिफाइनरी पर जो हमले किए हैं उससे रूस की हर दिन तेल बनाने की क्षमता 6 लाख बैरल कम हो गई है। इस नुकसान से क्रेमलिन न सिर्फ परेशान है बल्कि भड़का भी हुआ है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के हमलों को रोकने और यूक्रेनी शहरों पर अब तक का सबसे बड़ा और भीषण वज्रपात करने के लिए रूसी सेना युद्ध के मैदान में बफर जोन बनाने जा रही है।